अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा ख़ान के व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत खुश आमदीद। ये एक और मस्जिद का आप लोग का टूर है। ये मस्जिद ऐसी है जिसमें मैं ख़ुद पहली दफ़ा आया हूँ और मुझे इतनी खूबसूरत ये मस्जिद लगी, इतना मुझे मज़ा आया नमाज़ पढ़ के भी। इस मस्जिद का नाम है अब्दुल्ला व अब्दुर्रज़ाक अली अल-मुज़ैनी। ये अबू फ़तीरा के इलाके क़िता वाहिद में है, यानी ब्लॉक 1 में। आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर, आप लोग को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का बहुत अच्छा लगेगा। ये कोर्ट यार्ड इनका इतना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है और मस्जिद के अंदर भी इतनी स्पेस है और इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने अंदर देखे। अंदर बकायदा दोनों साइड्स पे जैसे एंटर होते हो तो एक छोटे छोटे गार्डन्स बनाए हुए हैं माशाल्लाह, जो कि इतना अच्छा लग रहा है। सामने शीशा है, जा भी सकते हो और बहुत प्यारा गार्डन भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटा पैशियो जो होता है उसको बहुत प्यारा है, उस जगह को यूज़ किया और वहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं। अंदर जाओ तो आपको पूरी मस्जिद के अंदर दीवारों के ऊपर अल्लाह ताला के जो नाम है वो आपको लिखे हुए मिलेंगे। खूबसूरती नेक्स्ट लेवल पर। तो आप लोग भी आएँ, ज़रूर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। 26वीं को अब मैं देखेंगे व्लॉग लगा सकते हो या नहीं। लॉन्ग व्लॉग है तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 26वीं से पहले पहले लगा लूँ। ये अभी 25वीं को मैं आया हूँ, इन अ फ्यू आवर्स मुझे व्लॉग लगाना पड़ेगा आप लोग को बताने के लिए कि यहाँ पे 26वीं की रात को आखिरी चार रकत जो हैं क़यामुल लैल की वो शेख राशिद मशारी अल-फ़ासी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस मस्जिद में तो दोबारा नहीं आना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू, व्लॉग के थ्रू भी बता दूं, लेकिन आप लोग मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव रहा करें, वहाँ देखें इस तरह की खबरें, वहाँ पर ज़्यादा जल्दी पहुँच जाती है क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट्स मुझे एडिट करके लगानी होती है। बाकी आप लोग मस्जिद देखें, आप लोग को बहुत अच्छा लगा ये मस्जिद देख के, बहुत प्यारी बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। ऑकवर्ड तरीके से वीडियो ख़त्म हो जाएगी आज, क्योंकि आई हैव नथिंग एल्स टू से अदर देन के ये बहुत एक प्यारी मस्जिद है। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो देखिए।